आज हम देखने वाले हैं प्रभु के साथ और प्रभु के बिना। बोलिए, प्रभु के साथ और प्रभु के बिना, प्रभु के साथ और प्रभु के बिना, प्रभु के साथ अंदर, यस, और शैतान के साथ बाहर, शैतान के साथ बाहर, प्रभु के साथ अंदर और शैतान के साथ बाहर। हाँ, आज आप कौन सा चुनना चाहते हैं देख लेना, शैतान के साथ बाहर रहना चाहते हैं कि प्रभु के साथ अंदर रहना चाहते हैं, आज प्रभु के साथ रहना चाहते हैं कि प्रभु के बिना रहना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। और आज जो है, आज के वचन पर परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर हो और बहुत महान रीति से प्रभु परमेश्वर हालेलुया जो है अपने इतिहास में उसने बार बार देखा गया है कि जो जो लोग प्रभु की आज्ञा पालन करते हैं वो आशीष पाते हैं। और आज हम मेरे पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आज जो है कोई सोना नहीं है, आज पूरे 6 पॉइंट है, तो इसलिए जो है कोई रुपया सोना नहीं। और जो है प्रभु परमेश्वर का वचन बड़े ध्यान से सुनना, हालेलुया। हम देखते हैं, पहली बार हम देखेंगे, पहला पॉइंट मेरा यह है कि जो है आदम और हवा यदन के वाटिका के अंदर कैसे थे और यदन के वाटिका के बाहर कैसे थे। यदन के वाटिका के अंदर और यदन के वाटिका के बाहर, उत्पत्ति उसका 3 और उसके 22 वचन में क्या लिखा है, पढ़िए जोर से, वहां पे लिखा है, फिर यहोवा ने मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। यहाँ पे बाइबल में लिखा है कि प्रभु ने आदम को उस वाटिका से बाहर निकाल दिया, और जो है उसको याद आती होगी सारी आशीषें, जब उसको वाटिका के बाहर निकाल दिया गया तो उसको सब बातें याद आती होगी, यार कैसे सुंदर फल खाते थे हम ना, उस फल का टेस्ट कितना अच्छा था, वो फल मुझे सबसे अच्छा लगता था। लेकिन बाद में वो सारे फल उसको मिले क्या? नहीं मिले, उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और जो है उसने जो है बहुत हालत खराब हो गई। उत्पत्ति उसके 2 वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका बनाई, वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया, और यहोवा परमेश्वर की भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिसके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष का और भले और बुरे के ज्ञान का फल वृक्ष भी लगाया, और उस वाटिका के सींचने के लिए एक महानदी और अदन से निकली, वहां से आगे बहकर 4 धारा में हो गई। और जो है हम देखते हैं कि कैसे उस यदन की वाटिका में परमेश्वर ने उसको कितने सुंदर सुंदर फल दिए थे। पहली बात, बहुत सुंदर सुंदर फल, फिर महानदी, वहां पे पानी था, वहां पे उसको रहने के लिए पानी और उसके लिए सारी प्रकार की सुंदर सुंदर जो है वो फल उसको दिए थे। ये सारी अदन की वाटिका की आशीषें उसके जीवन में थी। 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने उसको फल दिए, पानी दिया, वाटिका दी, एदन वाटिका, सब कुछ प्रभु ने उसको दे दिया। और देने के बाद में परमेश्वर ने उसको जिम्मेवारी भी दी। परमेश्वर जब हमको कोई आशीष देता है तो उसकी जिम्मेवारी भी देता है। प्रेज लॉर्ड। जब परमेश्वर आपको जो है कार देता है, स्कूटी मिल गई ब्रदर को, तो उसकी जिम्मेवारी, मोटरसाइकिल, कार जब देता है तो उसके कुछ नियम है, उसको जिम्मेवारी होती है संभालना, उसका इंजन, उसका पानी, उसका तेल, उसके पेट्रोल, उसका डीजल, उसका गैस, ये सारे नियम हमको पालन करना पड़ता है, उसकी सारी जो है बातें रखनी पड़ती है, तब जो है हम क्या कर सकते हैं, उसका अच्छा उपभोग ले सकते हैं। अगर हम जो है उसको पेट्रोल नहीं देंगे या गैस नहीं भरेंगे तो वो तो इस्तेमाल नहीं हो पाएगा अच्छी तरह, वो रास्ते में बंद हो जाएगा कहीं। तो इसलिए
या तो हम उसके साथ जो है छेड़खानी करें, उल्टे सीधे गेर लगाए, तो वो जो उसकी 10 साल की 15 साल की आयु होगी तो एक दो साल में जब भी खराब हो जाएगा और उसका इंजन सीज हो सकता है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है, गियर बॉक्स टूट सकता है। तो उसके जो है इस्तेमाल करने के जो है नियम है, और उस नियमों को जब हम पालन करेंगे तो उसका उपभोग हम ले सकते हैं। नियम है, जो प्रभु की कोई आशीष आती है उसके साथ उसके नियम भी आते हैं। बाइबल में लिखा है कि तब जो है तब यहोवा ने परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि उसमें वो काम करे और उसकी रक्षा करे। उसे काम करने के लिए और रक्षा करने के लिए प्रभु ने बताया, और प्रभु ने उसको बहुत आशीष देना शुरू कर दिया। और फिर बाद में 16 वचन में जो है वो बताया कि कौन से खाने हैं कौन से नहीं खाने हैं। फिर 18 वचन में लिखा है यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके लिए मैं कैसे सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल का है। परमेश्वर ने उसके शादी का भी सोचना शुरू कर दिया और आदम की शादी हो गई, और शादी में जो है हवा को लेके आया प्रभु आदम के पास और उसकी वहां पे शादी हो गई। उसने तो अपने बारे में कभी सोचा नहीं कि मुझे शादी करनी है, उसके लिए किसने सोचा? परमेश्वर ने सोचा, और परमेश्वर ने सोच के उसको लाके दे दिया। आजकल जवान बच्चे जो है अपने आप के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। अरे सोचना तो परमेश्वर को है, सोचना तो माता पिता को है, लेकिन वो सबसे पहले सारी बातें कर देते हैं पूरे से पूरी। तो यहां पे हम देखते कि जो है उस बाटिका के कितनी सारी आशीषें थी। बाइबल में लिखा है कि जो उसने शादी की, और फिर प्रभु ने उसको 19 वचन में लिखा है कि नाम रखने के लिए कहा, कौन सा नाम किस पक्षी के लिए या कौन से प्राणी के लिए रखता है। फिर पहले अध्याय के 26 वचन में अगर हम देखें तो वहां पे प्रभु अपने स्वरूप में और अपने समानता में जिस आदम को बनाता है। 26 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको सारी बातों का अधिकारी बना दिया। जब वो वाटिका के अंदर था तो वो सबसे बड़ा अधिकारी था, पृथ्वी का सबसे बड़ा अधिकारी था। 28 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको आशीष दी, कहा फलो फूलो, और सारी आशीषें उसको मिल गई। 28 वचन में लिखा है कि पृथ्वी को अपने वश में कर लो। बाप रे, ये सारी आशीषें यदन की वाटिका में प्रभु ने उसको दी। लेकिन जब यदन की वाटिका से जब कैसे बाहर आया, वो जो है हवा को बहकाया गया, और हवा को जब बहकाया गया तब जो है सर्प के झूठ पर उसने विश्वास किया। जब बाहर आ गया तो वह कैसी, उसने सबसे पहली बात तो आज्ञा तोड़ दी, और आज्ञा तोड़ने के बाद 3 अध्याय के 10वें वचन में लिखा हुआ है कि जो है वो डर गया। उसने कहा मैं तेरा शब्द सुनकर बारी में डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। ये नहीं बोल रहा कि मैंने फल खाया, मैं डर गया। जब हम पाप करते हैं तो डर जाते हैं, बहुतों के जीवन में डर की आत्मा है। ये डर की आत्मा प्रभु दूर करे, प्रेज द लॉर्ड। यस, वो जो है वो डर गया और जो है वो कहने लगा कि मैं बहुत परेशान हो गया और मैं जो है मैं नंगा हूं और मैं डर गया और मैंने लंगोट बना लिया। और उसने अपने तरीके से जो है वो सारी चीजें ढांपने की कोशिश करी, लेकिन वो जो है बाहर आ गया था। हम देखते कि 3 अध्याय के 15 वचन में ये कैसे श्राप मिला। वो प्रभु परमेश्वर ने सबसे कहा तूने जो ये काम किया इसलिए सब घरेलू पशुओं और बने लो पशुओं से अधिक श्रापित है, तो पेट के बल चला करेगा, जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। पाप करने के बाद में श्राप तो आता ही है। सबसे पहला श्राप जो है वो सांप को मिला, उसके बाद में यदन की वाटिका के बाहर जो है हम देखते कि श्राप जो मिला वो उस हवा को मिला, और हवा को जो है प्रभु ने कहा फिर स्त्री से उसने कहा मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझे और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। श्राप मिल गया स्त्री को, फिर श्राप मिल गया आदम को,
आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने आज्ञा दी थी कि तुझे ना खाना, तूने उसको खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है और तू उसकी ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। यहां पे हम देखते कि सारे प्रकार के श्राप जो है वो आ गए। आदम की वाटिका के अंदर कितनी आशीषें थी, लेकिन आदम की वाटिका के अंदर पाप करने के द्वारा वो आदम की वाटिका के बाहर आ गया और सारे श्राप 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 श्राप। कितने दुखी होते होंगे वो लोग कि यार मैंने क्यों खाया, मैंने क्यों ऐसा किया, मैंने क्यों ऐसा किया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं तो सारी आशीषें पाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से दूर जब जाते हैं तो श्रापित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की संगति में रहते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो सारी प्रकार की आशीषें हमारे जीवन के ऊपर आती है। दूसरा मेरा पॉइंट यह है कि कैसे हालेलुया परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के बिना। अब हम देख रहे हैं उत्पत्ति किताब उसका सातवां अध्याय और उसके पहले वचन से पढ़ना शुरू करें कृपया। तब यहोवा ने नूह से कहा तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू सात सात जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से दो दो लेना। बस तो आपको सारी कहानी पता है। अभी मेरा दूसरा पॉइंट है नूह के जहाज के अंदर और नूह के जहाज के बाहर। आज कौन सी जगह आप पसंद करेंगे? यस, आप जो है यदन वाटिका में कौन सी जगह पसंद करेंगे, अंदर की बाहर? जी हाँ, यहां पे भी जो है वहां पे वो सारे लोग पापी थे और ये नूह जो है वो प्रचार करता था, प्रचारक था। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय के पांचवें वचन में लिखा है कि कैसे पत्रस क्या करता, वो नूह क्या करता था, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक, धर्म का प्रचारक, पढ़िए, धर्म का प्रचारक नूह समेत आठ व्यक्तियों को बचा लिया। हाँ, ये धर्म का प्रचारक था, ये प्रचार करता था कि बहुत जल्दी बहुत बड़ा विध्वंस होने वाला है, सारी दुनिया पाप से डूबने वाली, पानी से डूबने वाली उनके पाप के कारण, और ऐसा वो धर्म का प्रचार करता था। लेकिन लोग उसकी तफरी लेते होंगे, हाँ बता रहे, बता नूह क्या होने वाला जरा बता दे, और मजाक लेते होंगे, मजाक करते होंगे, लेकिन ये अपना धर्म का प्रचार करता था, ये अपना धर्म का प्रचार करता था। और एक दिन आया कि जब दरवाजा बंद किया गया और पानी बरसना शुरू हो गया और कितने 150 दिनों तक पानी चलता रहा और इतना पानी भर गया कि सबसे ऊंचा पर्वत वो भी जो है वो पूरा डूब गया और सारे पशु सारे पक्षी सारे सब कुछ जो कुछ थे वो सब मर गए, सारे मर गए ऐसे बाइबल में लिखा है। और कैसे प्रभु परमेश्वर ने जो है जबरदस्त रीति से बाइबल में लिखा है कि 22 वचन, जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मिटे, सब मर मिटे, और क्या मनुष्य क्या पशु क्या रेंगने वाले जंतु क्या आकाश के पक्षी जो जो भूमि पर थे सो सब पृथ्वी पर से मिट गए, केवल केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वो ही वे ही बच गए। और लिखा है कि और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। ये परमेश्वर का क्रोध था जो है उस जहाज के अंदर और उस जहाज के बाहर। परमेश्वर के लोगों, आज उस धर्म का प्रचार सुन के चेतावनी पाके हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें हमें अपना मन कठोर नहीं करना चाहिए, है ना। पहला पत्रस उसका 3:20 में क्या लिखा है, पढ़िएगा। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात आठ प्राणी पानी के बाहर द्वारा बच गए। हाँ, सिर्फ आठ प्राणी
जो है वो बच गए और प्रभु धीरज धरता रहा, प्रभु उनका इंतजार करता रहा कि कोई अपना मन फिराए और कोई नूह के साथ आ जाए और नूह के जैसा जहाज बनाना शुरू करे। लेकिन नूह के साथ कोई जहाज बनाने के लिए तैयार नहीं था, वे तो सब लोग जो है आनंद ले रहे थे। जो है क्या बाइबल में लिखा है, मत्ती 24 का 38 और 17 का 37, इसमें लिखा पढ़िए उस मत्ती का 24 का 38। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। हाँ, लूका 17 का 27। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। एक ही साथ किसी की शादी हो रही होगी, किसी का जो है कोई पेड़ लगा रहा होगा, कोई घर बना रहा होगा, कोई सारी दुनिया में उन्होंने अपना पैसा लगाया होगा, लेकिन वो सारा एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक ही दिन में सब खत्म हो गया और सब लोग, लेकिन नूह ने अपना सारा पैसा जहाज में लगाया। उसको पता है कि जो कुछ मुझे बचाएगा उसने मुझे जो है जहाज बचाएगा, और उसलिए उसने सारे संसार को दोषी ठहराया। इब्रानियों उसके 11 अध्याय के 7वें वचन में लिखा है कि उसने क्या कर दिया, सारे संसार को दोषी ठहराया। पढ़िए, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। प्रेज द लॉर्ड, उसके द्वारा उसने संसार को। आज आपको कलीसिया बनानी है ताकि संसार को क्या करे, आप दोषी ठहराए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल होने ना पाएंगे। पूरा मन लगाना है अपनी सेवकाई के लिए, पूरा मन लगाना है प्रभु के धर्म के प्रचारक बनने के लिए, पूरा मन लगाना है अपनी गवाही देने के लिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने कर्मों के द्वारा संसार को दोषी ठहराओगे, आप लोगों को प्रचार करोगे। हालेलुया। नूह के जहाज के अंदर और नूह के जहाज के बाहर जितने सारे थे बाहर के सब मर गए और नष्ट हो गए। अगला जो है पॉइंट मेरा तीसरा पॉइंट है, हालेलुया, और वो अगला पॉइंट है निर्गमन उसका 12 अध्याय का 21 वचन पढ़िए। तब मूसा ने इज़राइल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करना और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जूफा का एक गुच्छा डुबोकर उसी तसले में के लहू के द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा वहाँ वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। आमेन। यहाँ पे प्रभु का वचन बताता है कि इज़राइल लोगों को परमेश्वर ने एक आज्ञा दी कि एक मेमना लो और उसका लहू तुम जो है अपने दरवाजे के चौखट पे और दोनों अलंगों पे लगाना, चौखट के अंदर के लोग और चौखट के बाहर के लोग। परमेश्वर के लोग, आज प्रभु परमेश्वर आपको मौका देना चाहता है, हालेलुया, उस प्रभु के चौखट के अंदर आने का। वहां पे जो है इज़राइल लोगों ने वैसा ही किया जैसे परमेश्वर ने कहा था, उस मेमने का लहू लेकर जो है उन्होंने अपने जो है अलंगों को लगाया और जो है वहां पे लगा के चौक द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर लगाया हुआ मेमने के लहू के द्वारा वे लोग बच गए। और परमेश्वर ने कहा था कि भोर तक कोई बाहर निकलने ना पाए, अंदर ही रहना, क्योंकि परमेश्वर उस देश में मिश्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां वह चौखट सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा उस वहां उस द्वार को वह छोड़ जाएगा और तुम्हारे नाश करने वाले तुम्हारे घर के पास नहीं आएंगे, लेकिन वो आगे बढ़ेगा जब वो लहू देखेगा। प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह भी हमारे घरों में अपना लहू लगाता है, इसलिए हमारे घरों में परमेश्वर की आशीष आती है और सारे बंधन टूट जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यस, दरवाजे के बाहर, दरवाजे के अंदर, उस वहां पे ऐसे भी दरवाजे थे कि जिसके ऊपर लहू नहीं लगाया था और वहां पे परमेश्वर गया और क्या किया उसने,
वहां के जितने सारे मिश्री लोग थे उनके सारे पैलौटों को मारा। क्यों मारा बताया क्या? क्योंकि ये मिश्री लोग परमेश्वर की आराधना के विरोध में जा रहे थे। फिरौन राजा और इज़राइल लोग परमेश्वर की आराधना करने नहीं दे रहे थे। देखो, परमेश्वर की आराधना के विरोध में जाना कोई मजाक बात नहीं है। परमेश्वर की विरोध आराधना में जाना मतलब स्वयं परमेश्वर के विरोध में जाने की बात है। और परमेश्वर को गुस्सा आया और परमेश्वर ने उनके सारे पैलौटों को मार दिया। बाइबल में लिखा हुआ है कि वो राजा फिरौन राजा से लेकर नीचे गढ़े तक पड़े हुए मिश्री के सारे पैलौटों के बच्चे ही सिर्फ नहीं, लेकिन प्राणियों की भी पैलौटे जो है बच्चे इस मिश्र देश में परमेश्वर ने मार दिया। क्योंकि परमेश्वर का वो विरोध कर रहे थे, परमेश्वर की आराधना का विरोध करते हैं। जो लोग परमेश्वर की आराधना का विरोध करते हैं, जो लोग परमेश्वर की आराधना की इज्जत नहीं करते, परमेश्वर हालेलुया उनकी रक्षा नहीं कर सकता, परमेश्वर उनको बचा नहीं सकता, क्योंकि वे परमेश्वर के विरोध में जाते हैं। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के आराधना के विरोध में नहीं जाते, ईमानदारी से परमेश्वर की आराधना में आते हैं, ईमानदारी के साथ परमेश्वर के सामने झुकते हैं, इसलिए प्रभु हमको जिंदा रखता है। हालेलुया। उस चौखट के अंदर के लोग और चौखट के बाहर के लोग, चौखट के अंदर के लोग आराधना करने के लिए तैयार थे लेकिन उनके लिए रुकावट थी। चौखट के बाहर के लोग हमेशा रुकावटें लाते थे, हमेशा परेशानी लाते थे। हालेलुया। और मालूम चला कि उनके सारे जो है पैलौटे मारे गए। आगे चल के हम देखते हैं कि फिरौन राजा और उसकी सारी सेना जो है लाल समुद्र में नाश हो जाती है। जो जो परमेश्वर की आराधना के विरोध में जाएगा वो ऐसा ही उसका नाश होगा। इसलिए हमारे घर में हमारे बच्चे, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारे पिता, हमारे भाई, हमारी बहन, हमारे पति पत्नी जितने सारे हैं सब के सब प्रभु के भवन में आना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। आराधना के लिए पहले मूसा कहता है कि हम जाएंगे, फिरौन ने कहा जाओ जाओ, तुम्हारी स्त्रियां यहीं रहने दो, बच्चे यहीं रहने दो, पुरुष ही जाओ। फिर बाद में वो फिर से पीड़ा आती है, कहते हैं कि नहीं 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 तुम ज्यादा जाओ लेकिन ज्यादा दूर मत जाओ। फिर से रुकावट आती है। मूसा कहता है कि हमारा एक खुर तक, बकरे का एक खुर तक पीछे रहने नहीं पाएगा। हम जाएंगे तो सारा परिवार जाएंगे, सारे प्राणियों के साथ जाएंगे, पैसे के साथ जाएंगे, तुम्हारे सारे जो है गहनों के साथ जाएंगे, हम जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर आपको आराधना के लिए बुलाता है। हर रविवार हम आराधना के लिए कोई हल्का ना ले। बहुत सारे लोग जाए तो जाए, नहीं जाए तो कोई बात नहीं, मेरी ड्यूटी है, मेरा ये है, मेरा धन गला फलाना धमका है हमने तो। इसलिए प्रभु परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की आराधना को हम हल्का ना ले, क्योंकि परमेश्वर कितना क्रोधित हुआ था उस फिरौन के ऊपर और उसके सारे लोगों के ऊपर। उस द्वार के अंदर, चौखट के अंदर वाले लोग, हालेलुया, और चौखट के बाहर जिसमें लहू लगाया था, हालेलुया। फिर अगला वचन हम देखेंगे, यहोशू की किताब, यहोशू की किताब और उसके दूसरे अध्याय के 12 वचन में पढ़िए कृपया। अब मैंने जो तुम पर दया की है इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है सबों को, उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। हाँ, बस बस यहाँ पे हम देखते कि यहोशू ने गुप्त भेदियों को भेजा था। कितने थे वो, 12 थे कि 10 थे कि 40 थे? हाँ, वेरी गुड। आप बाइबल पढ़ते हैं, वो दो थे और वो दो भेदियों को भेजा, उनका नाम नहीं बताया गया, लेकिन जब भेदियों को भेजा तो वो रहाब वेशा के पास आ गए और सारे शहर में हलचल मच गई। अरे दो भेदी आ गए, अरे दो भेदी आ गए। और वे उस पुलिस जो है उस रहाब वेशा के पास गए और कहां गए वो, लेकिन उसने छिपा के रखा था उनको। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पे हम देखते कि जो है वो कहने लगी कि मेरे साथ तुम एक अच्छा संबंध बनाओ ताकि जब तुम लड़ने के लिए आओगे तो मेरे घराने को तुम बचा के रखना। तो वो लोग कहते हैं कि 17 वचन में उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में तो हम निर्दोष रहेंगे। तुम जब इस लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना और अपने माता पिता
भाइयों वरन अपने पिता के घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। हालेलुया। इस खिड़की को जो लाल डोरी लगी थी बड़ी सी, जिसके द्वारा ये लोग दो भेदिये उतारे गए थे और उनको बचाया गया था, उस कमरे के अंदर के लोग और उस यरियो शहर के, मतलब जो है उस कमरे के बाहर के लोग जो यरियोहो में रहते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को तैयार करता है बचाने के लिए और संभालने के लिए। और यहां पे हम देखते कि रहाब वेश्या थी वो, और सबसे पापीण स्त्री थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके अंदर एक अच्छी भावना उत्पन्न करी कि वह गुप्त भेदियों को जो है संभाले, उनकी रक्षा करे। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, जब आप परमेश्वर के दासों की इज्जत करेंगे, परमेश्वर के दासों को प्रेम करेंगे, उनका बुराई नहीं करेंगे, उनके विरोध में नहीं बोलेंगे, उनके विरोध में खड़े नहीं होंगे, उनकी बुराई नहीं करेंगे, लेकिन आप उनके साथ रहेंगे, उनको बचाने की कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर भी आपके साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर भी आपके परिवार को बचाएगा। और बाइबल में लिखा है कि रहब जो है वो वेश्या नहीं रही, वो एक बहुत प्रतिष्ठित महिला बन गई, और वो उसका वंश इजरायली लोगों के बीच में आ गया, और उसने सारे गलत कामों को छोड़ के वो परमेश्वर के लोगों के बीच में आ गई, परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। वो लाल डोरी बांधा हुआ, वो खिड़की के अंदर के लोग, वो कमरे के अंदर के लोग और बाहर के लोग, आज हम वो लोग होने चाहिए कि जो प्रभु के बचाए हुए लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन जो है हम देखेंगे कैसे, हम देखेंगे कैसे कि प्रभु परमेश्वर जो है हमें संभालना चाहता है। और पहला कुरिन्थियों उसका 5:9-13 तक यहां पे लिखा हुआ है कि मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि वे बिचारियों की संगति ना करना, और यही नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के वे बिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। मेरा कहना यह है, पौलुस कहता है, मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना। उसकी संगति साफ साफ बताए भाई हमको, साफ साफ है प्रभु की चेतावनी, प्रभु की आज्ञा, हमें उन लोगों के साथ संगति करने के लिए भी मना किया गया है। तो लिखा है कि तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ गाना भी ना गाना, यस, खाना भी खाने के लिए मना है। हम लोग तो जो है पता नहीं क्या क्या, कहां कहां बैठते हैं, कहां कहां उठते हैं, कहां खाना खाते हैं, क्या क्या करते हैं। जो प्रभु के लोग हैं वो बहुत पवित्र है और विश्वासी है, और वे ऐसे व्यभिचारी लोगों के साथ खाना ना खाए, गाली देने वाले, पियक्कड़, और वहां पे लिखा है लोभी, मूर्ति पूजक और जो है अंधेर करने वाले, पियक्कड़, इनकी संगति मत करना, इनकी संगति मत करना। प्रभु परमेश्वर नहीं चाहता कि ऐसे संगति करने वाले लोगों में से आप में हो। बहुतों के जीवन में ऐसे संगति करने वाले लोग हैं, और आप उन्हीं के साथ बैठते हो, उन्हीं के साथ रहते हो, तो आप कृपया देखिए कि परमेश्वर आपके दिल में वो जगह लेने ना पाए वो लोग, और आप उनके साथ संगति मत करिए। आपको वहां पे उनके साथ रहना है, रहना पड़ता है, मजबूरी है, लेकिन आप उनको अपने दिल में जगह मत दो, संगति मत करो उनके साथ। आप संगति मत करो, संगति प्रभु के लोगों के साथ करो, प्रभु के लोगों के साथ करो। बाइबल में लिखा है कि क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम, क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते, परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच से निकाल दो। सारे ऐसे व्यभिचारियों को अपने बीच में से निकाल दो। व्यभिचार, गर्लफ्रेंड रखना, बॉयफ्रेंड रखना, सारे अनैतिक संबंध रखना परमेश्वर के वचन के विरोध में है। ये सारे जो है बताया गया कि ये लोभियां, अंधेर करने वाले, मूर्ति पूजा, इनकी संगति करने के लिए मना कर दिया गया है, और इसलिए उनकी संगति मत करो, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। और उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो।
ऐसे प्रभु ने कहा है। तो इसलिए प्रियो वहां पे एक बात आती है, मुझे बताना चाहता हूं, और वो ये है बाहर वालों का और अंदर वालों का। प्रभु जो है पौलुस कहता है कि बाहर वालों का न्याय करने का क्या काम, क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? भीतर वाले और बाहर वाले मतलब क्या? कलीसिया के अंदर के लोग, कलीसिया के बाहर के लोग। प्रेज द लॉर्ड। अब ये इस वचन का पूरा पूरा जो है असर अब हमारे ऊपर है। अब आपको सोचना है कि आप अंदर वाले लोग हैं या बाहर वाले लोग हैं। अगर अंदर वाले लोग हैं तो ये सब काम नहीं चलेगा, गाली गलौज, बुराई, निंदा और ये सारे सारे पाप जो बताए गए हैं वो सारे पाप नहीं चलेंगे। इन पापों को हटाना पड़ेगा, और जब आप हटाएंगे तब आप अंदर वाले लोगों में से एक व्यक्ति बन जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती उसका 16 अध्याय का 18 वचन, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पत्रस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हाँ, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल ना होंगे। प्रभु अपनी कलीसिया बना रहा है। नू ने अपना जहाज बनाया, नू ने अपना जहाज बनाया और उस जहाज बनाने के द्वारा उसने सारे संसार को दोषी ठहराया। अभी आपको प्रभु ने सेल ग्रुप बनाने के लिए बोला है, आपको प्रभु ने कलीसिया बनाने के लिए बोला है, आपको प्रभु ने कहा है कि मेरी कलीसिया में शामिल हो जाओ, तुम अंदर के लोग हो, तुम्हें संगति करने की आवश्यकता है, और तुम जब संगति करोगे तो प्रभु की आशीष पाओगे, और जब आप संगति करोगे तो प्रभु को अच्छा लगेगा, और आप संगति नहीं करेंगे तो प्रभु परमेश्वर आपके लिए जो है वो गुस्सा है। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय का 46 वचन में मैं पढ़ रहा हूं, यहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। प्रतिदिन मंदिर में इकट्ठे होते थे। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन नगर में प्रतिदिन इकट्ठे होते हैं, सुबह 6 बजे 6 से लेकर 8 तक हमारी प्रार्थना होती है, और बाइबल में लिखा है कि प्रतिदिन वो इकट्ठे होते थे। तो प्रभु अपनी कलीसिया बना रहा है, और अगर आप अंदर वाले लोग हैं तो आप प्रभु की संगति करेंगे। हो सकता है आप चर्च में नहीं आ पाए लेकिन अपने घर में बैठ के प्रभु के साथ संगति करने वाले लोग, प्रभु की संगति करने के लिए कहा गया है। और बाइबल में लिखा हुआ है प्रेरितों के काम इब्रानियों की किताब में लिखा है वो सुंदर वचन, और मैं चाहता हूं कि उस वचन को आप देखें। इब्रानियों की किताब उसके 10 अध्याय और उसके 25 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि, और मेरे पीछे बोलिए, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन निकट आते देखो त्यों त्यों और भी आदि किया करो। प्रभु की आज्ञा क्या है? एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। अपने सेल ग्रुप में जाना जरूरी है, अपने चर्च में जाना जरूरी है। एक व्यक्ति ने कुछ आके बताना शुरू कर दिया, मुझे पवित्र आत्मा अगुवाई कर रही है कि मैं चर्च में ना जाऊं लेकिन घर में बैठ के प्रार्थना करूं। मैंने कहा वो पवित्र आत्मा नहीं, वो शैतान की आत्मा है। ये पवित्र आत्मा क्या कहेगी? एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। वे मंदिर में प्रतिदिन इकट्ठा होते थे। एक दूसरे के साथ संगति करने में हमारी ताकत है, एक दूसरे के साथ प्रार्थना करने में हमारी शक्ति बढ़ती है, एक दूसरे की गवाही सुनने के बाद में हमारा विश्वास बढ़ता है, और यहां तक कि बाइबल में लिखा है कि जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में हमारा जिंदा खुदावन हमारा यीशु मसीह उपस्थित होता है। इसलिए एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। कलीसिया के अंदर के लोग और कलीसिया के बाहर के लोग। आप अंदर के हो बाहर के हो? अगर आप अंदर के हो तो आपके गुणधर्म यह है, संगति करने की इच्छा होगी, प्रार्थना करने की इच्छा होगी, अपना सेल ग्रुप शुरू करोगे, आप अपने घर में आप लोगों को प्रभु के बारे में बताओगे,
जैसे नूह धर्म का प्रचार करता रहा, लोग तफरी लेते रहे, मजाक करते रहे, वो बुरा भला बोलते रहे, वो एक ठट्टे का पात्र बन गया, लेकिन हालेलुया उसने कोई चिंता नहीं करी। वो तो धर्म का प्रचारक था और वो प्रचारक करता रहा। आज बाइबल में लिखा है कि नूह को प्रभु ने कहा अब अंदर जा, और जब अंदर जाने के बाद में बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। जो परमेश्वर दरवाजा बंद करेगा ना तो कोई खोल नहीं सकता। आज खुला हुआ है दरवाजा, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया का दरवाजा पूरा खुला हुआ है, कलीसिया के अंदर के लोग और कलीसिया के बाहर के लोग। बाइबल में लिखा है कि बाहर के लोग जो है वो नरक में जाएंगे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया बाइबल के अनुसार वो नरक में जाएंगे। ये मेरा वचन नहीं है, बाइबल का वचन है। मैं किसी को नरक में भेजने का मेरे पास अधिकार नहीं, वो तो प्रभु के पास अधिकार है। लेकिन सच्चाई बताना ये मेरा काम है। अपने पापों से माफी मांग लो, पवित्रता से शुद्ध हो जाओ और प्रभु परमेश्वर आपको हालेलुया वो कलीसिया के अंदर के लोग बनाएगा। हालेलुया, कलीसिया के अंदर के लोग अधीनता में रहने के लिए तैयार है। कलीसिया के जो है अंदर के लोग अपने अधीनता में रह के हालेलुया जो दर्शन यीशु मसीह का था उसी दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थे। प्रभु यीशु मसीह का दर्शन तो यही था कि सारी दुनिया में जाके प्रभु का प्रचार करें। प्रभु यीशु मसीह का दर्शन तो यही था, वो गांव गांव जाता था और प्रभु के राज्य का प्रचार करता था। आज हमारा भी दर्शन यही है, जो यीशु का दर्शन है वो हमारा दर्शन है। प्रभु का दर्शन पाके भाई बैठ जा सोफा पे, हाँ हाँ लग जा सेवा में जो है। मुझे लगा कि बैठ जा सोफा पे जो है टीवी के सामने। बहुत सारे विश्वासी ऐसे है तो जो है ऐसा नहीं करना, हमें दर्शन पाके आगे बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मेरा दर्शन, हालेलुया। हमारे पास्टर का, पास्टर प्रदीप गायकवाड़ का दर्शन ये यीशु का दर्शन, और वही दर्शन लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा और दूसरा कोई दर्शन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। एक ही दर्शन है कि प्रभु की कलीसिया तैयार करना, प्रभु की कलीसिया बनाना और प्रभु की कलीसिया के पीछे पीछे जाना और कलीसिया के झुंड में रहना, यही हमारा दर्शन है। प्रभु का प्रचार करना, प्रभु के बारे में लोगों को बताना, ये हमारा दर्शन है। इसको छोड़कर हमारा कोई दर्शन नहीं है। इस दुनिया में की कोई चीज हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इस दुनिया की सारी चीजें यहीं पे छोड़ के जानी है हमको, सब कुछ यहीं रह जाएगा और वही लोग जाएंगे, तुरई फूकी जाएगी। और जो अंदर के लोग हैं, हालेलुया, जिनके पाप क्षमा हुआ है, जिन्होंने बैप्टिज्म लिया हुआ है, हालेलुया, वो लोग यकायक उठा ले जाएंगे और संपूर्ण विश्व में एक बहुत बड़ा हलचल मच जाएगी। इतने सारे लोग गायब हो गए भारत से, दिल्ली से और संपूर्ण विश्व से। हालेलुया, इतने सारे लोग गायब हो गए, कहाँ गए सब लोग? कुछ लोग जो है उनके आधे परिवार लोग चले गए, कुछ लोग जो है आधे परिवार यहां रह गए, कुछ लोग जो है पूरे के पूरे परिवार चले गए। वो अंदर के लोग जाएंगे, अंदर के लोग, हालेलुया, कलीसिया के अंदर के लोग। और इसलिए बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह अब अंतिम दिनों में आखिरी जो है धीरज रख के आखिरी आपको मौका देता है, और वो कह रहा है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया बना रहा हूं। वो जीवित पत्थर, आप एक जीवित पत्थर है उस कलीसिया में। यहां पे एक जीवित पत्थर लगा, यहां पे एक लगा, वहां पे लगा, वहां पे लगा, वहां पे लगा, और आखिरी पत्थर जब रखा दिया जाएगा तो तुरई फूकी जाएगी। आज जो प्रभु के लोग हैं वो प्रभु के साथ उठा ले जाएंगे और हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहेंगे, कभी भी चिंता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभु के हालेलुया कलीसिया के लोग होने चाहिए। ऐसे लोग बहुत सारे गलत गलत शिक्षाएं लेके आ रहे हैं। मुझे पवित्र आत्मा कह रहा है कि कलीसिया में नहीं जाना और घर में बैठ के प्रार्थना करना, ये शैतान की आवाज है, पवित्र आत्मा की आवाज नहीं है। पवित्र आत्मा की आवाज मतलब बाइबल की आवाज। वे प्रतिदिन मंदिर में इकट्ठे होते थे, तो ये पवित्र आत्मा की आवाज है। जो जो वो दिन नजदीक आते देखो, त्यों त्यों एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, लेकिन आदि किया करो। हमें प्रभु का दिन नजदीक आ रहा है तो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा घरों में जाके प्रभु यीशु मसीह की सेवा करनी है और उनके लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया, कलीसिया के अंदर के लोग, फिर सोने के शहर के अंदर के लोग और सोने के शहर के बाहर के लोग। आप कहां रहना चाहते हैं सच में? ओ वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी
हालेलुया, कितनी अच्छा, कितना सुंदर वचन, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय और उसके 14 वचन में मैं पढ़ रहा हूँ, हालेलुया। और यहाँ पे प्रभु का वचन बताता है, धन्य है वे जो अपना वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। फाटकों से होकर, ये पवित्र नगर है, ये सोने का नगर है, ये जो है बहुत सुंदर नगर है, इसके बारे में बताया जाता है। और वो जो है नगर में प्रवेश करेंगे, पर 15 वचन में क्या लिखा है, पर कुत्ते, ये कुत्ते किसको भाग गया है, कुत्ते मनुष्यों को, शाबाश। ये मतलब कुत्ते सुअर वगैरह बिल्ली वगैरह नहीं बोला है, कुत्ते मतलब मनुष्य, प्रभु, प्रभु कह रहा है, बाइबल कह रहा है उन लोगों को जो कुत्ते, कुत्ते कौन होते हैं जो भाव भाव करते हैं, कुत्ते कौन होते हैं जो अपनी उल्टी फिर से मत बोलो तो वो कुत्ते जिन्होंने गंदी चीजें जो है वो छोड़ दी है फिर से लेने की कोशिश करते हैं, जो व्यभिचार छोड़ दिया फिर से व्यभिचार के पास जाते हैं, जो शराब छोड़ी फिर से शराब पे जाते हैं, जो गालियां छोड़ी फिर से गालियां देना शुरू करते हैं, पर कुत्ते, बाप रे, कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला कहां रहेगा, बाहर, अंदर नहीं बाहर। नगर में तो प्रभु के लोग जाएंगे, बाहर ये सारी लिस्ट दी गई है, और ये सारे लोग बाहर रहेंगे, बाहर मतलब नरक में, बाहर मतलब शैतान के पास। जैसे नरक तो शैतान के लिए बनाया है, मनुष्य के लिए नहीं बनाया है, लेकिन जो जो व्यक्ति बाहर रहने की कोशिश करते हैं उनके लिए भी नरक है, उनका नाम जो है वो जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है। तो आज हमने 6 बातें देखी प्रियो, और आप, आपके ऊपर निर्भर है कि आप कहां रहना चाहते हैं। पहली बात, यदन की वाटिका के अंदर के लोग कैसे थे पहले, और वाटिका के बाहर के कैसे, फिर नूह के जहाज के अंदर और बाहर के लोग, फिर हमने देखा कि दरवाजे जिसके ऊपर लहू लगाया है चौखट के ऊपर, उस चौखट के अंदर के लोग और बाहर के लोग कैसे जो है मर गए, और हम देखते हैं कि उस खिड़की के ऊपर जो लाल धागा लगा हुआ था, लाल डोरा डोरी लगी हुई थी, हालेलुया, उस कमरे के अंदर के लोग और बाहर के लोग। देखो प्रभु हर जो है ये अलग अलग पीढ़ियां हैं, और इन अलग अलग पीढ़ियों में प्रभु ने अपने बचाए हुए लोग रखे, अपने बचे हुए लोग रखे, कैसे कैसे रखे, फिर बाद में ये आखिरी अंतिम युग में प्रभु यीशु मसीह के युग में प्रभु कहता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, कलीसिया के अंदर के लोग और कलीसिया के बाहर के लोग, और सोने के शहर के अंदर के लोग और पवित्र नगरी के बाहर के लोग। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो है कैसे उस पेड़ के पवित्र नगर में से, 19 वचन में लिखा है पवित्र नगर में, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। हाँ, और यदि कोई जो है इस भविष्यवाणी की बातें उसमें बढ़ाएगा, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए जो बाइबल में लिखी है, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उन पर, उस पर बढ़ाएगा। तो हम कभी भी अपने तरीके से बाइबल प्रचार ना करें, ये मत कहे कि भाई चर्च में ना आने के लिए पवित्र आत्मा ने कहा है मुझे, रॉन्ग, ये सबसे महापाप हो गया। प्रभु तो अपने लोगों को इकट्ठा कर रहा है, प्रभु तो अपने यहूदियों को इकट्ठा कर रहा है, प्रभु तो अपने इजराइलियों को इकट्ठा कर रहा है, वो तो कलीसिया में इकट्ठा करवा के उनसे आराधना करवाता है, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु परमेश्वर इस कलीसिया को बना रहा है, और आप भी इसको बनाने के पीछे लग जाए, आप भी नूह के समान पूरा मन लगा के लग जाए, या आपका काम, आपका जॉब या आपके लिए पार्ट टाइम होना चाहिए, आपका मेन जॉब प्रभु की कलीसिया और जो है सेल ग्रुप बनाना और आगे बढ़ाना और प्रभु को, प्रभु के बारे में लोगों को बताना, और जहां कहीं आप जाते हैं प्रभु के बारे में प्रचार करना, यह आपके लिए मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। हालेलुया, आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से विनती करेंगे।
हे प्रभु परमेश्वर अपनी सामर्थ हमारे जीवन के ऊपर उंडेले, हम सब खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति में, हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तेरी आत्मा मेरे जीवन के ऊपर मड़ लाने दे, और प्रभु तेरी शांति मेरे जीवन में दे, तेरा अभिषेक मेरे जीवन में दे। हमारा प्रभु जो है प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन के सारे बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, और वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। सारे रुकावटें दूर कर दे प्रभु जी, हालेलुया। आज जो जो परमेश्वर दुखी है प्रभु जी, आज जो जो परेशान है प्रभु जी, उन सारी परेशानियों को दूर कर दे प्रभु जी। हे प्रभु अपने लोगों को बचा ले, हे प्रभु परमेश्वर हमें, प्रभु परमेश्वर जो हम अंदर के लोग है, कलीसिया के अंदर के लोग है, तो कलीसिया के अंदर के लोग होने के नाते प्रभु जी हमें कैसा हमारा रहन सहन होना चाहिए, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, उसके जैसे यीशु का स्वभाव था वैसा हमारा स्वभाव हो प्रभु जी, ऐसी हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, तूने हमारी प्रार्थना सुनी है। आज की आराधना सभा के लिए धन्यवाद, आज के सुंदर आराधना के लिए धन्यवाद, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद, और हर एक बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जैसे हम हर एक जन को मैं यीशु के लहू में ढांप लेता हूं, उनको प्रभु मैं जैसे भेजता हूं यहां से प्रभु परमेश्वर, वो तेरे प्रभु भोज लेके जा रहे हैं, तो तेरे वचन का प्रचार करने वाले बने प्रभु जी। हालेलुया, जहां कहीं वो जाएंगे प्रभु का प्रचार करेंगे और आत्माओं को जीतेंगे प्रभु जी। हे प्रभु जो है नूह के समान वो धर्म का प्रचार करे प्रभु जी। हालेलुया, और तेरी महिमा करे प्रभु जी। धन्यवाद देते, तूने हमारी प्रार्थना सुनी है, धन्यवाद तू एक बड़ा कार्य कर रहा है। हर रोज सुबह 6 से लेके 8 बजे तक जो जीवन नगर में प्रार्थना सभा होती है, सबको आने के लिए सहायता कर। अपने जन्मदिन के तारीख पर वो वहां पे 6 बजे पहुंचे प्रभु जी। हालेलुया, और पास्टर के साथ और उनके परिवार के साथ प्रार्थना करे प्रभु जी। ऐसा होने दे राजा, सारे बंधनों को तोड़ दे, हर एक सेल ग्रुप लीडरों को तैयार कर प्रभु जी। हर एक प्रभु परिवार का एक व्यक्ति जो सेल ग्रुप लीडर है प्रभु जी, उनको तैयार करके आगे बढ़ा प्रभु जी। और जहां पे बड़े बड़े झुंड है, बड़े बड़े प्रभु परमेश्वर कार्य हो रहा है प्रभु जी, वहां पे एक मनो के अधीनता में आके आगे बढ़ने के लिए हर एक सदस्य की सहायता कर। हम सब मिलके प्रभु तेरे अधीनता में रहेंगे और एक बहुत बड़ा काम करेंगे। यीशु का मिशन जो हालेलुया अधूरा है अभी, हालेलुया लोगों को प्रचार करने का, वो पूरा हम करेंगे प्रभु जी। तूने हमें कहा है ये मिशन पूरा करो, सारे दुनिया में जाके प्रचार करो, हम करेंगे प्रभु जी, करेंगे प्रभु जी। हम तेरे साथ वायदा करते हैं, तेरे साथ प्रभु वाचा बांधते हैं प्रभु जी। हमारी सहायता कर, हम नहीं शर्माएंगे हालेलुया, और तू भी हमें प्रभु अपना कहने के लिए ना शर्माना प्रभु, जब हम स्वर्ग में आएंगे पिता के सामने रहेंगे। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुनो, कबूल कर पिता, आमेन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खास करके कलवरी परिवार के साथ, यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह आने तक बड़ी रहे, आमेन, आमेन।